हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित्रा राम। बच्चों, हम लोग यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारा वायरस, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसका आज लेक्चर 4 है। 3 लेक्चर में हम लोगों ने वायरस के बारे में अच्छे से समझ लिया है, राइट। जिसमें हम लोगों ने इसके जनरल करेक्टर के बारे में देखा था, वायरस के हिस्ट्री के बारे में समझा था, इवन हम लोगों ने यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस को भी डिस्कस कर लिया था, इन्फेक्शन कैसे होता है वो भी देख लिया था, लाइफ साइकिल भी देख ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा वायरल डिजीज इन मैन, यानी कि मनुष्यों के अंदर जो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में डिस्कस करना। और ये पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 में और भी कुछ डिफरेंट टाइप की डिजीजेज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, वायरल डिजीज इन मैन, यानी मनुष्यों के अंदर होने वाली बीमारियां, ठीक है। और इसके अंतर्गत फटाफट लिखना शुरू करें, पहला पॉइंट लिख लें, या पहला जो हमारा वायरस रहेगा, ठीक है, या वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज है जिसका नाम है जुकाम, ठीक है। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं जुकाम, इसको प्रोनेन किया जाता है, प्रोनेंस किया जाता है जुकाम से, ठीक है। कॉमनली लैंग्वेज में इसको हम लोग कॉमन कोल्ड कहते हैं, कॉमन कोल्ड, ठीक है। इसको हिंदी में प्रोनेन करते हैं जुकाम। अच्छा, खास बात क्या है कि जो कॉमन कोल्ड होता है किसके द्वारा होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके पैथोजेन की बात करेंगे। तो कौन सा ऐसा पैथोजेन है, पैथोजेन मीनिंग, पैथोजन कहने का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके द्वारा क्या हो, डिजीज क्रिएट हो, डिजीज कॉज हो, उसको पैथोजन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जुकाम को कोई ना कोई वायरस तो पैथोजेनिक फॉर्म में करता ही होगा ना, तो इसका नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, एक आपका बेहतर क्वेश्चन यहां पर तैयार हो गया कि कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है, तो राइनो वायरस के द्वारा होता है। इसे हम लोग वायरल इंफेक्शियस एजेंट के नाम से भी जानते हैं। राइनो वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, वायरल इंफेक्शियस एजेंट, ठीक है। एक वायरस या वायरल इंफेक्शन एजेंट होता है जो कि जुखाम को फैलाने का काम करता है। अच्छा, क्लासिक क्लासिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, सीधे हम लोग अब खास बात करते हैं इसका, कि कॉमन कोल्ड जो है पैथोजन हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइनो वायरस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कॉमन कोल्ड किसके द्वारा हो रहा है, राइनो वायरस के द्वारा हो रहा है, तेजी से, कॉमन कोल्ड तेजी से फैलने वाला एक इंफेक्शियस डिजीज, यानी कि संक्रामक रोग होता है, तो हिंदी में कहते हैं संक्रामक रोग, ठीक है, इंफेक्शियस डिजीज होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो कि काफी तेजी के साथ में ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। दूसरी बात, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो राइनो वायरस होता है इसके कई वेरिएंट होते हैं, कई स्ट्रेन होते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस के कई वेरिएंट आ गए ना, उसी तरीके से इसके भी कई वेरिएंट होते हैं। तो राइनो वायरस के कई स्ट्रेन, दैट मीन्स राइनो राइनो वायरस ए कॉमा राइनो वायरस बी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कॉमा राइनो वायरस सी, है ना, ये इसके वेरिएंट हैं ए बी सी, अलग अलग जो है ना वायरसेस के द्वारा अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ कम समय के लिए होता है, कुछ ज्यादा समय के लिए होता है, कुछ में ठीक नहीं होता, बना रहता है, ठीक है, एलर्जिकल फॉर्म में रहता है। तो राइनो वायरस के कई स्ट्रेन होते हैं, जैसे राइनो वायरस ए बी सी, ठीक है, स्ट्रेन से यह स्प्रेड होता है या फैलता है, ठीक है, फैलता। अगला पॉइंट देख लें इसके बारे में, यह वायरस नाक, आपकी जो नोज है वह फेफड़ों, नाक व फेफड़ों, लंग्स, ठीक है, नोज एंड लंग्स, नोज एंड लंग्स, आपके जो फेफड़े हैं और आपकी जो नाक है उसको स्पेशली क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है, फेफड़ों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, करता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, राइनो वायरस के बारे में। अब जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉमन कोल्ड ही है, सिम्टम्स क्या है उसके, तो जो हमारा हेडिंग पड़ेगा, पहला तो हमारा पैथोजन हो गया, पैथोजन क्या है, पैथोजन हमारा है राइनो वायरस। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, अगर किसी व्यक्ति के अंदर राइनो वायरस का इन्फेक्शन है तो हम ये कैसे पहचानेंगे। हालांकि इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जितनी भी बीमारियां आज तक डिस्कवर की गई हैं उसके कॉमन कैरेक्टर होते हैं और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। कॉमन कैरेक्टर एक ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सबसे मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि अगर मान लो आपको
टीबी हुआ है आपको, नहीं किसी और को, मान लो टीबी हो गया किसी पेशेंट को, या किसी दूसरे पेशेंट को कॉमन कोल्ड हुआ है, या किसी अन्य पेशेंट को कोरोना वायरस हुआ है, तो इन तीनों पेशेंट्स में एक कॉमन चीज रहेगी क्या, कि इनके जो इनिशियल या इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती दौर के जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन बोले जाते हैं, वो सेम होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर गया है, फॉरेनिक जीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, छींक आती है। अगर वो नेजल चैम्बर से होती हुई जा रहा है तो छींक आती है, तो छींक आना एक कॉमन कैरेक्टर है, ठीक है। चाहे आपको इन्फ्लुएंजा हो, कोविड अगर हो जाए तो भी है, और चाहे कॉमन कोल्ड हो जाए तो भी यही है। नोज का बहना ये भी एक कॉमन कैरेक्टर माना जाता है, इनके इनके मैं बता रहा हूँ। और सबसे सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर या कॉमन कैरेक्टर कौन सा होता है, स्पेसिफिक नहीं कॉमन, फीवर का आना। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन यदि जाता है तो हमको बुखार जरूर आता है, ठीक है। अब बुखार का आना और जाना, इसके आधार पर भी हम सिम्टम्स पता, सिम्टम्स के आधार पर भी आप पता कर सकते हैं कि किस बीमारी ने आपको इन्फेक्ट किया है। जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है, ये एक प्रोटोजोन है जिसके द्वारा बहुत ही डेंजरस डिजीज कॉज होती है। डेंगू की बात कर लेते हैं, मलेरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इनमें भी कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। फीवर आता है लेकिन फीवर रुक रुक के आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। तो सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमन कोल्ड का सिम्टम बहुत कॉमन है, ठीक है, क्या है लिख ले, इसके इन्फेक्शन से सिंपल है, इसके इन्फेक्शन से नेजल चैम्बर क्लोज हो जाता है। आपको पता है कि नाक बंद हो जाती है आपकी, है ना, जो नाक नहीं बंद होती, एक्चुअल नेजल चैम्बर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। क्लोज होने का मतलब वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक, जिसके कारण वो क्लोज हो जाता है। और छींक, स्नीज, ठीक है, छींक आती है, बहुत ज्यादा छींकें आने लगती हैं। और क्या होता है, नाक बहती है, तो सिंपल सी बातें हैं यार, इनको लिखना है, नाक बहती है और खांसी आती है और गला खराब हो जाता है। ये कॉमन कैरेक्टर है जिनको लिखना ही लिखना है। सर दर्द होता है, सर दर्द व थकान भी इस डिजीज के कारण। देखो डिजीज तो यार, डिजीज या डिजीज का मतलब ही क्या हुआ, डिजीज का मतलब ही होगा कि एक वेल डेवलप्ड या वेल ऑर्गेनाइज पर्सन के अंदर, ठीक है, एक अच्छे खासे आदमी के अंदर यदि वो कैसा हो जाए, थोड़ा सा उसका WHO के अकॉर्डिंग थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होती है तो वो डिजीज मानी जाती है, राइट। तो ये भी क्या है, डिजीज ही है। उसके कारण क्या हो रहा है, डिजीज के लक्षण है, ठीक है, थकान भी इस डिजीज के कैरेक्टर या सिम्टम्स हैं। डिजीज के सिम्टम्स, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, अब बात आती है कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। सिम्टम्स तो हमने देख लिया, अब जो इन्फेक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। तो आपको जो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आपको इन बातों पे ध्यान देना है। क्या, नंबर एक, छींक, दैट मीन स्नीज व नोज से निकलने वाले, आप जब छींकते हैं, ठीक है, या जो नाक निकलती है, नोज निकलती है, उससे, ठीक है, निकलने वाले म्यूकस या पार्टिकल, हम कह सकते हैं म्यूकस या पार्टिकल्स में प्रेजेंट, में उपस्थित राइनो वायरस के पार्टिकल्स एयर के द्वारा, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि एयर के द्वारा क्या होते, स्प्रेड स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो आजकल कॉमन कोल्ड ज्यादा चल रहा है तो आपको मास्क लगाए रखना है, या थोड़ा बहुत तो कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि डिजीज हमारे बॉडी के अंदर होती है तो बॉडी हमारा एंटीबायोटिक बना लेता है, एंटीबॉडीज बनाता है, तो ये काफी बेहतर है कि कॉमन कोल्ड अगर हो जाए तो उसको झेलो थोड़ा सा। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा बॉडी आपकी नॉर्मल रहेगी, या किसी डिजीज से आप ग्रसित ही नहीं हो, कॉमन कोल्ड भी नहीं आप लेना चाहते हो, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी, ठीक है, उसके प्रति रेजिस्टेंस नहीं हो पाएगी। तो नेचर के आधार पर जो जैसा हो रहा है वो ठीक है। कुछ चीजों पे विशेष ध्यान देना होता है, उनको ध्यान देना, अगर आपको हो जाता है तो किसी और को ना फैले, इस पे थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स एयर के द्वारा क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, तो जिस बंदे को अगर मान लो जुकाम है तो उसके आसपास नहीं भटकना चाहिए। दूसरी, इसके अलावा रोगी द्वारा या पेशेंट द्वारा यूज में लिए गए, यानी प्रयोग में लिए गए इन्फेक्टेड बर्तनों, जैसे उसने कोई बर्तन यूज किया है, ठीक है, पानी या कुछ भी खाने पीने के लिए, ठीक है, बर्तनों, कॉमा पेन, दैट मीन्स कलम, ठीक है, कॉमा पुस्तकें,
कॉमन चीजें हैं, तथा दरवाजों के हैंडल्स से भी यह डिजीज फैलती है, यह डिजीज फैलती है। तो वायरस तो हर जगह से आपके अंदर जा सकता है। अभी आप देखें ना, क्वारंटाइन किए जा रहे थे बहुत ज्यादा, जो कोविड पॉजिटिव हो रहा था उसको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा था, अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो, तुमसे फैल जाएगा। तो ये कुछ वायरस के स्पेसिफिक करेक्टर ही हैं जिनसे बचाव करना बहुत जरूरी है। ये तो नॉर्मल चीज है, ये कब घातक बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें अपना सकते हैं। तो हेडिंग डाल दो ट्रीटमेंट, उपचार। तो लिख लो कॉमन कोल्ड एक महामारी, महामारी कहने का मतलब समझते हो, एपिडेमिक, बहुत तेजी से फैलने वाली जो बीमारियां होती है उनको एपिडेमिक कहते हैं। एक महामारी के रूप में स्प्रेड होती है, फैलती है, स्प्रेड होती है, राइट। दूसरा पॉइंट, यह 3 से 7 दिनों में, 3 से 7 दिनों के बीच में अपने आप, या तो 3 दिन में ठीक हो जाओगे या थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी बॉडी आपकी, तो 7 दिन मान सकते हैं, अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, ये जो बीमारी है ये अपने आप ही ठीक हो जाती है, इसके लिए कोई उपचार लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे इसका लिख सकते हैं, वैसे इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप दवाई लें, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हाँ, आप चाहें तो एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका भी कोई यूज नहीं है, आपका बॉडी खुद ठीक कर लेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कॉमन कोल्ड की। इसके बाद में इसी का ही एक मिलता जुलता भाई है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है, इन्फ्लुएंजा के बारे में आपको समझना है। तो हेडिंग डाल दीजिए इन्फ्लुएंजा। दूसरा है हमारा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। देखिए फ्लू, फ्लू टर्म यहां पर लिया गया है, तो ये एक प्रकार का क्या है, फ्लू है। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लू, राइट। इसको फ्लू के नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लू। पैथोजन बात करते हैं, इसका पैथोजन कौन सा है, तो पैथोजन सेम है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसी के नाम से ही इसको इन्फ्लुएंजा नाम दे दिया, इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या है इसके बारे में समझिए, यह तेजी से फैलने वाला रोग है, काफी तेजी से यह फैलता है, बिल्कुल कॉमन कोल्ड की तरीके से। इसके भी कई स्ट्रेन होते हैं, बिल्कुल कॉमन कोल्ड की तरह इसके भी कई स्ट्रेन होते हैं। जैसे यह वायरस, ये खास बात है, यह वायरस हेलिकल वायरॉन्स के रूप में होता है। ठीक है, यह वायरस किस रूप में होता है, हेलिकल वायरॉन्स के रूप में होता है। अगला पॉइंट, इसमें सिंगल स्ट्रेन आरएनए, समझिए इसमें एक सिंगल स्ट्रेन का ही क्या पाया जा रहा है, आरएनए पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें सिंगल स्ट्रेन का आरएनए पाया जाता है। इसके चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है, इसके चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जिसमें अनेक स्पाइक होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया और इसके सेंटर में एक कोर पोर्शन होता है, एक कोर पार्ट होता है क्योंकि हेलिकल टाइप का होता है, और इस कोर के ऊपर बहुत सारे कैप्सिड पाए जाते हैं, तरीके से क्या पाए जा रहे हैं, कैप्सिड पाए जा रहे हैं। आप और भी थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, ये क्या है,
ये बीच में इसके सेंटर में कोर है, और ये क्या पाए जा रहे हैं, कैप्सिड, कैप्सिड पाए जा रहे हैं, और इसके चारों तरफ ये क्या पाया जा रहा है, एनवेलप पाया जा रहा है, और एनवेलप के ऊपर बहुत सारा क्या पाया जा रहा है, स्पाइक पाया जा रहा है, लाइक दिस। ये क्या है, स्पाइक है, और ये क्या है, एनवेलप है, ठीक है। तो ये एक हेलिकल वायरस भी माना जाता है, हेलिकल कहने का मतलब ये हो गया गोलाकार, ठीक है, हेलिकल। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसकी बात करते हैं बच्चों सिम्टम्स की, तो फटाफट लिख लीजिए सिम्टम्स के बारे में। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इस रोग के कारण, इस डिजीज के कारण नाक से पानी बहता है, कॉमा छींक आती है, कॉमन है वही, बिल्कुल इन्फ्लुएंजा के तरीके से छींक आती है, कफ व बुखार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें बुखार आपको आएगा, कफ व बुखार फीवर के साथ, फीवर के साथ पूरी बॉडी, पूरी बॉडी दुखने लगती है, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, दुखने लगती है। कॉमन कोल्ड में आपको इतना ज्यादा परेशानी नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लुएंजा अगर है तो उसमें आपको बुखार आएगा, बॉडी पेन होगा, हेडेक होगा, ठीक है, स्नीज होगा, इचिंग होगी, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इसके होने से। एक विशेष बात लिख लीजिए नोट पॉइंट करके, एक नोट पॉइंट करके लिख लें, यह रोग भी कैसा है, एपिडेमिक है, महामारी है, यह रोग भी एपिडेमिक के रूप में फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से। दूसरा पॉइंट, इस रोग का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस आप क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारी आपको दवाइयां दे देते हैं, कारण क्या है, कोई ना कोई दवाई फायदा करेगी, अरे नहीं, एंटीबॉडीज होती हैं। अगला, यह भी 3 से 5 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है, 3 से 5 दिनों में अपने आप क्या होता है बेटा, ठीक हो जाता है। तो ये भी बात हो गई किसकी, कॉमन कोल्ड के बाद में इन्फ्लुएंजा की। अच्छा, एक रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट आपका वायरस चल रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, अभी भी ये कहीं कहीं किसी किसी जगह पर इन्फेक्शन फैला रहा है, ठीक है, कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं लोग। तो थर्ड हमारा है कोरोना वायरस, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोरोना वायरस डिजीज हम कह सकते हैं, कोरोना वायरस डिजीज क्या है, कोरोना वायरस डिजीज, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोविड 19 क्यों कहा गया, क्योंकि 2019 में ये आया था, कोविड 19। चलिए कुछ खास बात है पूछते हैं इनसे भाई, जो कि आपको भी स्पेशली पता होंगे, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, लेकिन लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस या क्या बोलते हैं, कोविड 19 डिजीज पेंडेमिक। आप कहेंगे सर पेंडेमिक कहने का मतलब क्या हुआ, एपिडेमिक कहने का मतलब क्या हुआ, पेंडेमिक लेवल पर स्प्रेड होने वाली वायरल डिजीज है। पेंडेमिक को हिंदी में कहते हैं वैश्विक बीमारी या महामारी। देखिए, एक है महामारी, एक है वैश्विक महामारी। महामारी कहने का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो डिजीज बहुत तेजी से फैलेगी, जैसे मान लो हम शाहजहांपुर के रहने वाले हैं या हरदोई के रहने वाले, शाहबाद के रहने वाले, किसी पर्सन को यदि कोई डिजीज हो जाता है तो वो बहुत तेजी से क्या करेगा, अपने एरिया में फैला देगा, और वहां से अगर वो हर जगह फैल जाए, यानी पूरे विश्व में फैलने लगे, जैसे कि कोविड क्या है, चाइना से ओरिजिनेट हुआ, वहां बनाया गया था, ठीक है, और वहां से वो फैला, और फैलते 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 पूरे देश में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में ये क्या हुआ, फैल गया। तो ऐसी डिजीज जो पूरे विश्व को इन्फेक्टेड करे, एक जैसे करेक्टर, एक जैसे सिम्टम्स और सब उसी से ग्रसित हो रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक महामारी। एक पर्टिकुलर एरिया पे ही अगर मान लीजिए कोई डिजीज है तो वो स्पेशली क्या कहलाती है, एपिडेमिक महामारी। दैट मीन्स वो वहीं उसी क्षेत्र में आएगी, वहीं खत्म हो जाएगी और उसके बाद स्वाहा, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये वैश्विक बीमारी घोषित की गई, किसने करी, WHO ने, हमने नहीं, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, इसने जो है ना इसको पेंडेमिक, वैश्विक महामारी घोषित किया है, क्योंकि पूरे विश्व में फैली हुई है।
अभी भी ठीक है, कुछ कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पैंडेमिक, पैंडेमिक दैट मीन्स वैश्विक महामारी घोषित किया है, घोषित किया है, वैश्विक महामारी घोषित किया है, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब बात आती है पैथोजन की, तो सर पैथोजन क्या है इसका, हेडिंग डाल दो पैथोजन। चलो भाई पैथोजन बताओ क्या है, इस रोग का लिख लो, इस रोग का कारण, पूरी बात लिख दे रहा हूं यहां पर, इस रोग का कारण, इस रोग का कारण है चीन, चाइना, इस रोग का कारण है चीन की लैब में, लेबोरेटरी में तैयार किया गया, चीन की लेबोरेटरी में तैयार किया गया कोरोना वायरस, ठीक है, चीन की लेबोरेटरी में तैयार किया गया कोरोना वायरस। देखिए कोरोना वायरस पहले भी था, इस बात को याद रखिएगा, कोरोना वायरस एकदम से बनाया गया ऐसा नहीं, कोरोना वायरस का वेरिएंट पहले से भी था, लेकिन वो कोरोना वायरस जो था वो सिर्फ ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को छोड़ करके जो अन्य जंतु हैं उनमें फैलता था, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कोरोना वायरस सिर्फ चीन ने बनाया, कोरोना वायरस पहले से था, लेकिन उसको चेंज किया गया, उसके जेनेटिक कोड में छेड़खानी की गई, ठीक है, जिसके कारण उसने एक अपना अलग रूप ले लिया, और वो रूप इतना खतरनाक लिया गया जिससे ह्यूमन को ही बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, ठीक है। तो अभी तक क्या करता था, इसके जो छोटे छोटे भाई लोग थे वो परेशान करते थे किसको, अन्य एनिमल्स को, लेकिन जब इसका बड़ा भाई आया तो इसने दिक्कत कर दी सभी ह्यूमन प्रजाति को। तो याद रखिएगा क्या लिखा है, कोरोना वायरस है जो कि 2019 में चीन के लैब से बाहर निकलकर, बाहर अपने आप नहीं निकल गया, ठीक है, निकला निकला है किसी तरीके से, कोई वहां पर साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं उनको इन्फेक्शन हुआ है, उनसे दूसरों को हुआ है, इस तरीके से अब निकलकर पूरे विश्व में फैल गया, अभी भी चल रहा है, इसलिए फैल गया लिखा गया। खास बात क्या आपको याद रखनी है, जनवरी 2020, 19 में यह बना और जनवरी 2020 में यह वायरस पहली बार कहां आया, इंडिया में आया, जनवरी 2020 में यह वायरस इंडिया में पहुंचा था, ठीक है, कब, जनवरी 2020 में इंडिया में पहुंचा था, और 31 तारीख को मार्च में, 31 मार्च 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने क्या किया था, मोदी जी ने पूरे भारत में कर्फ्यू लागू कर दिया था, 31 मार्च 2020 को पूरे देश में, पूरे इंडिया में कर्फ्यू लगाया गया था। ये कुछ खास बातें हैं याद रखना है, कर्फ्यू लगाया गया था, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, रिसेंटली बहुत ज्यादा लगाया गया था, ताकि क्यों लगाया गया भैया, कोई मजे था नहीं, ताकि लोग घर में रहकर इन्फेक्शन से बच सकें, ठीक है, इन्फेक्शन से बच सकें, क्योंकि इसका डेथ रेट ज्यादा था। देखिए कर्फ्यू कब लगाया जाता है, कर्फ्यू तब लगाया जाएगा जब किसी बीमारी से अगर उसका डेथ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कहने का मतलब समझते हो, मरने की आशंका या मरने की जो वैल्यू है वो ज्यादा है ठीक होने की वैल्यू से, तब कर्फ्यू लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, इस कारण इसमें क्या किया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। अब सिम्टम्स क्या क्या थे भाई, इन्फेक्शन तो हो गया, पैथोजन के थ्रू इन्फेक्शन हो गया, सिम्टम्स क्या हैं, जैसे मान लो किसी के अंदर अगर कोविड है तो उससे हम कैसे पहचानेंगे कि उसको कोविड है, तो इसके सिम्टम्स जब आप देखेंगे ना तो बिल्कुल एकदम अचंभित हो जाएंगे कि हाँ ये इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड के जैसे ही है, लेकिन ये कॉमन कैरेक्टर थे, इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर अलग है। कोविड के ऊपर मैंने पूरा वीडियो यूट्यूब के ऊपर बना के डाला है, नहीं देखा है तो उसको देखे जाकर के, वहां पर मैंने बताया है कॉमन कैरेक्टर और स्पेसिफिक कैरेक्टर, यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो डिटेल में नहीं जाना। देखिए लिखा हुआ है डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग इस डिजीज में क्या होता है, सबसे पहले फीवर आता है, अगर आपको हुआ है तो फीवर होगा, कोल्ड होगा, कफ होगा, ठीक है, खांसी आएगी, जुखाम होगा, बुखार होगा, और क्या होगा, खास बात ब्रीथिंग
इश्यूज, ब्रीथिंग इश्यूज, दैट मीन्स सांस लेने में दिक्कत होती है, व गले में खराश होती थी, ठीक है, सोर थ्रॉट, गले में खराश, राइट। जैसे सिम्टम्स, ये एकदम कॉमन है ना, किसकी तरह, कॉमन कोल्ड की तरह, जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या है, इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, याद रखिएगा, कॉमन सिम्टम्स। नेक्स्ट वन लिख लीजिए, इसके अलावा, इसके अलावा, जब धीरे धीरे, अब ये चीजें जो है ना, धीरे धीरे आप देखते थे होता था और ठीक हो जाता था, और फिर अगेन क्या होता है, एक साइक्लिक मैनर में ये होने लगता था, फिर वो जो है इसके स्पेसिफिक करेक्टर शो होते थे, इसके गंभीर संक्रमण, इसके ऐसे लिख लें, इसके गंभीर संक्रमण, सेवर इन्फेक्शन, इसके गंभीर संक्रमण में क्या होगा, निमोनिया हो जाएगा, गंभीर संक्रमण में निमोनिया, कॉमा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, बॉडी में ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रुधिर में हक्का जमना स्टार्ट हो जाता था, ब्लड क्लॉटिंग होना, या हम कह सकते हैं किडनी, ब्लड क्लॉटिंग या किडनी फेल होना, किडनी फेल होना, किडनी फेल होना जैसी समस्याएं, किडनी फेल होना जैसी समस्याएं डेवलप हो जाती हैं, और खास बात क्या है, और अंत में, लास्ट में डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो बुजुर्गों में देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ओल्ड मेंस में, ये बुजुर्गों में, इसमें खासकर अस्थमा जिन्हें था, ठीक है, बुजुर्गों में अस्थमा, कॉमा, मधुमेह, डायबिटीज, ठीक है, या दिल के मरीज, दिल के रोगियों में, दिल के मरीजों में इससे खतरा अधिक ज्यादा होता है, इससे खतरा अधिक ज्यादा होता है। अच्छा, कोविड आ जाए तो आप लोग लिख भी दोगे एग्जाम में आराम से, है ना, कोविड आ जाए तो एग्जाम में तो लिख ही दोगे ना आराम से, बिल्कुल लिख देना है, इससे खतरा होता है। नेक्स्ट वन लिख लीजिए, इस वायरस के इन्फेक्टेड रोगियों, पेशेंटों में, आज बात क्या है, स्वाद व गंध, सबसे बड़ी बात, आपका टेस्ट चला जाएगा और आपको स्मेल आना बंद हो जाएगी, स्वाद व गंध की क्षमता खत्म हो जाती है, स्वाद व गंध की क्षमता क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग इसके इन्फेक्शन की, इसकी बात करें इन्फेक्शन की, सिम्टम्स तो हमने देख लिए, अब इन्फेक्शन कैसे होता है, देखिए लिखा हुआ है, कोरोना का इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी अदर अन्य कफ व कोल्ड करने वाले, कफ व कोल्ड करने वाले, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की हो गई बात, राइनो वायरस की हो गई बात, ठीक है, करने वाले वायरसेस के सिमिलर ही खांसी व छींक, कफ एंड स्नीज, खांसी व छींक से हवा में फैलने वाली ड्रॉप्स, हवा में फैलने वाली ड्रॉप्स से होता है, ठीक है। अब जब इन्फेक्शन हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई, तो अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला है, बस वैक्सीन लगा दिया गया है जिससे आपकी बॉडी को बूस्ट कर दिया गया है, लेकिन को जड़ से खत्म करने वाला ट्रीटमेंट अभी आया हो, तो अभी भी जड़ से खत्म करने वाला ट्रीटमेंट नहीं आया है। लिख लीजिए, इस समय तक
COVID-19 का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया है या नहीं है। ट्रीटमेंट की बात हो रही है, जड़ से खत्म करने की, आपके बॉडी को बूस्ट कर देना, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को डाल देना, ये एक अलग मैटर है, लेकिन इसको खत्म करना एक अलग बात है। तो खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट अभी इसका नहीं उपाय, अभी उपयोग नहीं हो पाया, अभी खोज नहीं हो पाई इसकी, अभी भी काम चल रहा है इस पे, मेडिसिन नहीं बन पाई। नेक्स्ट पॉइंट, अभी रोग के सिम्टम्स, अभी रोग के सिम्टम्स को कम करने वाली मेडिसिन, रोग के सिम्टम्स को कम करने वाली मेडिसिन को दिया जाता है, ठीक है, मेडिसिन को दिया जाता है, और ऑक्सीजन की कमी होने पर रोगी को, रोगी को ऑक्सीजन दी जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने पर रोगी को ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना ली गई है, कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना ली गई है, जिसको लगाने से, इसको लगाने से इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, समझिए, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता, रोका जा सकता है लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो उपाय क्या है बचने का, तो प्रिवेंशन हेडिंग डाल दीजिए, बचाओ, बचाव क्या है, तो बचाव है लिखें, कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए, कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए फॉलोइंग सावधानियां, निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक है, ठीक है, निम्नलिखित सावधानियां रखना क्या है बेटा, आवश्यक है। आप कोविड से कैसे बचें, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ आप उसके लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं, आप अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे क्या क्या प्रिवेंशन है, जैसे नंबर एक, कोरोना, कोरोना से ग्रसित रोगी को हेल्दी पर्सन से दूर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, पहली बात, यानी कि किसी को कोविड हुआ है तो उसे हेल्दी पर्सन के पास नहीं जाना देना चाहिए, जहां जिसको कोविड नहीं हुआ है। कोरोना वायरस के कांटेक्ट, कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आने से बचने के लिए फेस मास्क लगाना चाहिए, लेकिन लगाता कोई नहीं है, लगाना जरूरी है। खांसते व छींकते, कफ करते हुए, सीजनीजिंग करते हुए, खांसते व छींकते समय अपना मुंह ढक लेना चाहिए, जिससे जो पार्टिकल्स आपके छींकने से, खांसने से बाहर निकलेंगे आपके ड्रॉप्स के थ्रू, ठीक है ना, सलाइवा ड्रॉप्स के थ्रू, उससे दिक्कत नहीं होगी दूसरे पर्सन को, ठीक है, ढक लेना चाहिए। अगला पॉइंट, हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए, तो हैंड्स को एल्कोहल, एल्कोहल आधारित या हैंड्स को एल्कोहल्स के द्वारा वॉश करते रहना चाहिए। एल्कोहल मतलब, एल्कोहल से कोविड खत्म हो जाता है या उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बार बार साबुन से, बार बार साबुन से अच्छी तरह
साफ करना चाहिए। अगला पॉइंट, संक्रमित व्यक्ति, दैट मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन, संक्रमित व्यक्ति से 3 फिट की दूरी, 3 फिट की दूरी बनाए रखना चाहिए अगर आपको बचना है तो, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से 3 फिट की दूरी बनाए रखना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने तीन जो मेजर हमारे वायरल इन्फेक्शन थे, ठीक है, वायरस से होने वाली डिजीजेस थी, उनको पढ़ लिया, जिसमें पहला कॉमन कोल्ड था, दूसरा इन्फ्लुएंजा हमने देखा, और तीसरा हमने COVID-19 को समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी वायरस के द्वारा होने वाली डिजीजेज हैं उनको लेकर के आएंगे, जैसे डेंगू फीवर, ठीक है, एक वायरस के थ्रू ही होता है, राइट, एडीज मॉस्किटो के काटने से ये फैलता है, डेंगू वायरस को लेकर के जाता है, ठीक है, एडीज मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो होती है, इसके बाइट करने से आपको क्या है, डेंगू हो जाता है। तो डेंगू भी अभी चल रहा था बीच में, तो इसमें बचना है, ठीक है, और भी छोटी छोटी बहुत सारी डिजीजेज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।